नमस्कार, बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए। एक लेटेस्ट और नया आदेश यहां पर आपको दिखाएंगे। सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देंगे। इस तरह के आदेश अमूमन कभी कभी ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं अपने आप में एक इतिहास बनते हैं। वैसे तो अतिथि शिक्षक पिछले 16-17 सालों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जो आदेश आप यहां पर देखेंगे, इस तरह के भी केस पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में हैं और हर शैक्षणिक सत्र में इस तरह के मामले आपको देखने को मिलते हैं। कार्यवाहियां बहुत कम होती हैं, लेकिन जब कार्यवाही होती है हजारों की अतिथि शिक्षकों के लिए मिसाल होती है। आगामी अगर कभी होता है तो इस आदेश के तहत आप अपने यहाँ भी इस तरह के आदेश जारी करवा सकते हैं। कंप्लीट आदेश दिखाएंगे, इसको पूरा देखिएगा। हजारों अतिथि शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित करके उनको अतिथि शिक्षक के लिए नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला रहेगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा मऊगंज मध्य प्रदेश का मामला है और 9 मई 2024 का अभी हाल का आदेश है। अभी वर्तमान में बता दें अतिथि शिक्षक सेवा से बाहर हैं, लेकिन 2023-24 के सत्र में ही इस अतिथि शिक्षक को न्याय दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, न्याय जरूर मिलता है, संघर्ष जरूर करना पड़ता है। यहाँ पर ऑफिशियल क्रमांक आप देखेंगे, आदेश करके अंकित है, साथ ही बताया हुआ है श्री कन्हैया लाल साकेत, जो कि पूर्व अतिथि शिक्षक द्वारा कलेक्टर जिला मऊगंज के समक्ष इस आशय की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि शासकीय प्राथमिक पाठशाला छत्रगढ़ कला में वर्तमान सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक वर्ग 3 के लिए श्री कन्हैया लाल साकेत अतिथि शिक्षक का चयन नहीं किया गया है, जो शासन के नियमों के विपरीत है। तो आगे बताने से पहले यहाँ पर साल का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर साल नहीं लिया, तो यहाँ से देख सकते हैं 2024 का ही मामला है। अभी 9 तारीख का ही मामला है, 9 मई 2024 का ही यह आदेश है। अब आगे देखिए, यहाँ पर बताया है कि विद्यालय में पदस्थ श्रीमती रेखा सिंह, जो कि यहाँ पर रेखा सिंह ये सरकारी शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक के द्वारा गोपनीय एवं फर्जी तरीके से अपने सगे संबंधी श्रीमती गरिमा सिंह का चयन अतिथि शिक्षक वर्ग 3 पद पर किया जाकर शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से फर्जी तरीके से अपने सगे संबंधी को, रेखा सिंह जो हैं ये प्राथमिक शिक्षक थीं और श्रीमती गरिमा सिंह ये अतिथि शिक्षक हैं, इनको इन्होंने रख लिया। कलेक्टर जिला मऊगंज द्वारा उक्त शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी नई गढ़ी जिला मऊगंज के द्वारा कराई गई। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी नई गढ़ी जिला मऊगंज द्वारा कलेक्टर जिला मऊगंज को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक शाला में 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। वहीं वर्तमान सत्र 2023-24 में विद्यालय में कुल 30 छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं। सचिव श्रीमती रेखा सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षक के द्वारा अतिथि शिक्षक चयन प्रक्रिया में शासन के नियमों को दरकिनार किया गया है एवं श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए, बहुत से केसों को इस आदेश के द्वारा सॉल्व किया जाएगा आगे चल के, ये ध्यान रखें। इस वीडियो को सेव कर लें, नंबर वगैरह इसका जो ऊपर आदेश नंबर है ये पूरा देख लें अच्छे से कि किस प्रकार से पुराने पैनल वाले को ना बुला के नए पैनल को जहाँ पर भी बुलाया गया है वहाँ के अतिथि शिक्षक को इस आदेश के तहत न्याय मिलेगा, ये जान लें। वहीं आगे बताया है कि श्रीमती रेखा सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षक के द्वारा नियमानुसार पूर्व में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक हो, यानी जिस अतिथि शिक्षक का नाम ऊपर बताया है कन्हैया लाल साकेत जी, वो पहले काम वहां पर कर रहे थे, वहीं उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था, किंतु आवेदक श्री कन्हैया लाल साकेत के द्वारा अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने हेतु सहमति पत्र लेकर सचिव श्रीमती रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक के पास ये गए थे, किंतु सचिव श्रीमती रेखा सिंह द्वारा उनकी सहमति पत्र स्वीकार ही नहीं किया गया है। सचिव श्रीमती रेखा सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षक के द्वारा दिनांक यहाँ पर देखेंगे 17/7/2023 को, यहाँ पर देख सकते हैं ये जुलाई से ही लगातार ये कन्हैया लाल साकेत जो पूर्व अतिथि शिक्षक थे जिनका नहीं किया गया था सिलेक्शन, वो 17/7/2023
के पहले वहां पर गए थे, यानी जुलाई के महीने में ही, और 17/7 को नवीन आवेदन पत्र प्राप्त कर शाला प्रबंधन समिति की बैठक कर नए अतिथि शिक्षक को रखे जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई। वहीं शासन के निर्देशानुसार पूर्व में गठित पैनल से अतिथि शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए था। पूर्व में गठित पैनल में चयनित अतिथि शिक्षक द्वारा असहमति देने पर संकुल में गठित पैनल से अतिथि शिक्षक का चयन कर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए था, किंतु सचिव श्रीमती रेखा सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षक द्वारा शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। श्रीमती रेखा सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला छत्रगढ़ कला के उपकृत से शासकीय कार्य एवं विद्यालय संचालन के प्रति स्वच्छता एवं पदी दायित्व के प्रति उदासीनता परिलक्षित होती है, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1, 2, 3 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन पर क्या कार्रवाई की गई। यहाँ पर आप देखेंगे, अतः मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) का में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती रेखा सिंह, जो कि प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक पाठशाला छत्रगढ़ का संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी नई गढ़ी जिला रीवा नियत कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नियत कर दिया गया, यानी इनको निलंबित कर दिया गया है। यह जो ज्यादा होशियार थी रेखा सिंह प्राथमिक शिक्षक, इन्होंने अपने सगे संबंधी गरिमा सिंह को अतिथि शिक्षक बनाया। कन्हैया लाल साकेत, जो कि अतिथि शिक्षक पहले से थे, उनको 2023-24 वाले शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं रखा और फर्जी तरीके से दूसरे को रखा। वह प्रयास करते रहे जुलाई से लेके अभी तक, और फाइनली उनको यहाँ पर न्याय मिला है। यहाँ पर आगे बताया है कि संबंधी जन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देना होगा, और कलेक्टर जिला रीवा मऊगंज द्वारा अनुमोदित आदेश है। ये सुदामा लाल गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा मध्य प्रदेश का आदेश है। जाहिर सी बात है कि सुदामा लाल गुप्ता जी जो डीओ हैं, सराहनीय आदेश दिए, लेकिन यहाँ पर पूरा काम कलेक्टर महोदय का था। कलेक्टर महोदय ने वहाँ पर उनको दिया और उसके आधार पर उन्होंने दिया। हालांकि डीओ को अगर यहाँ पर कार्रवाई करनी होती तो ये पहले भी अतिथि शिक्षक को वहाँ पर रखवा सकते थे, लेकिन आप जानते ही हैं कि डीओ के पास अगर अतिथि शिक्षक जाते हैं तो उनको मिलने के लिए ही घंटों लगाने पड़ते हैं, इंतजार करना पड़ता है, इतना काम भी नहीं होता, खाली भी रहते हैं तो भी, और साथ ही यहाँ पर जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी समस्या का निराकरण करवाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं, आप अगर गए हैं कभी तो आप जानते हैं कि आपकी समस्या का जो शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, तो किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। हालांकि ये सब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ही ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अतिथि शिक्षक के लिए और रेगुलर शिक्षक का ही फेवर लेते हैं अगर वो फर्जी नियुक्तियां करते हैं अतिथि शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कन्हैया लाल साकेत जी का मामला यहाँ पर जरूर है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के मेरे हिसाब से हजारों की संख्या में ऐसे केस हैं जो इस तरह हुए हैं। बेचारे बेरोजगार रह गए हैं, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई और उनको वेतन का जो है लाभ नहीं मिल सका है। अब यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल कर ली है, कन्हैया लाल साकेत जी, पूरा सत्र इन्होंने जो है संघर्ष किया और लगातार यहाँ वहाँ कार्यालयों के चक्कर काटे, फाइनली आदेश आया, अब उनको अगले सत्र पर जो है यहाँ पर मिलेगा लाभ। तो वहाँ पर अब चूंकि पहले से एक पद रिक्त था, एक और पद निलंबन के कारण रिक्त हो गया, तो वहाँ पर इनकी नियुक्ति अब इस वाले सत्र में 24-25 में हो जाएगी। तो संघर्ष जरूर करना है। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी आवाज़ को जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक उठाएंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे। चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। धन्यवाद।